हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बनाकर रेडी करते हैं बहुत ही यम्मी सी रबड़ी, जो कि सभी लोगों को खाना बहुत ही पसंद रहती है। बच्चे बूढ़े या हम जवान, सभी लोग इसको खाना बहुत ही स्वाद से और अच्छे से प्यार से खाना पसंद करते हैं। और जब भी कहीं हम जाते हैं तो बस हमको ये रबड़ी मिल जाती है तो मन तो खुश ही हो जाता है। तो इस तरह की आप रबड़ी बनाएं और खाएं घर में। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और लाइक, और पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो इस तरह की रबड़ी बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है दोस्तों। तो बस इसके लिए बहुत ही कम और आसान तरीके से घर के बेसिक सामान से ये बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई, उसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे और दूध को अच्छे से हम जब तक वो थिक ना हो जाए तब तक हमें इसे चलाते हुए पकाना है। तो बस दूध हमारा अच्छे से थिक हो चुका है। यहाँ पर 150 ग्राम पनीर लिया है। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल दानेदार और लच्छेदार रबड़ी चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी 150 ग्राम पनीर आप ऐड कर दीजिए। इस तरह से कद्दूकस करके या हाथ से मलकर, दोनों ही तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं पनीर को। तो मैंने इसको कद्दूकस करके डाला है। तो धीरे धीरे ये और थिक होता जाएगा दूध हमारा, और पनीर डालने के बाद इसको 15 मिनट और पकाना है, जिससे पनीर जो कच्चा रहता है वह अच्छे से पक जाए और रबड़ी में अच्छे से मिल जाए, लगे नहीं कि हमने इसमें पनीर डाला है। तो बस इस तरह से हमारी रबड़ी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और इसको चलाते ही 15 मिनट हमें पूरे करना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। तो बस पनीर और रबड़ी हमारी अच्छे से पक चुका है, यानी ये दोनों की मेल मिलाप हो चुका है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार चीनी ऐड करेंगे। जितनी आप मिठास पसंद करते हैं उतनी आप इसमें चीनी ऐड कीजिए। अब चीनी डालने के बाद इसको थोड़ी देर और इसे हमें पकाना है, लगभग 15 मिनट हमें फिर से इसे पकाना है। अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आपको तो वैसे दिख रही होगी कि कितनी हलवाइयों जैसी बनकर हमारी रबड़ी रेडी हो रही है, और आप इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। लोहे की कढ़ाई में जो फ्लेवर आता है, जो टेस्ट आता है, वह और किसी कढ़ाई में नहीं आता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके भी देखें। तो अच्छे से काजू पिस्ता बादाम को मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप काजू बादाम पिस्ता इसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये सभी चीज़ें डालने के बाद इसको हमें थोड़ा सा पकाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे, जो कि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। केसर को आप दूध में गलाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस केसर को ऐसे ही ऐड कर दिया है। तो रबड़ी को इस तरह से इसका कलर उतरने लगा है, और जरूर बनाकर देखें। रबड़ी का कलर और लोहे की कढ़ाई में जरूर बनाकर खाएं, क्योंकि लोहे का रबड़ी हमारी इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस रबड़ी हमारी अब इसे थोड़ी देर बनकर रेडी हो चुकी है, ठंडा होने और इसका छोड़ देंगे। और थोड़ा सा केसर का फ्लेवर भी आ चुका है, और भी कोई अच्छे से जार या कंटेनर में आप किसी अच्छे से बर्तन में आप अच्छे से ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैंने इसको गार्निश किया है, जो देख केसर खाने पिस्ता बादाम और थोड़ी सी गुलाबी टेस्ट में पत्तियों दोनों के हो साथ जाएगी। जो खाने और देखने दोनों में ही बहुत ही और इसे ठंडी और एकदम देखने में अच्छे से गार्निश करके तो खाइए जो खाने और एंजॉय में जो रबड़ी के साथ। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।